नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मारुति ओमनी की, जो कि बंद हो चुकी है 2016 के बाद। ये लगभग लास्ट ही मॉडल था, इसके अलावा ये गाड़ी बंद हो चुकी है। आज इसके बारे में बताऊंगा कि आपको सेकंड हैंड में लेना है कि नहीं लेना है, साथ में आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, इसका एवरेज क्या है, माइलेज क्या है, इसमें क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या समस्या है, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। सामने से फ्रंट लुक आप देख रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। पहले ये गोल लाइट आती थी, उसमें मोटे कांच आते थे, अभी ये गोल लाइट बन गई। साथ में लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। आपको इंडिकेटर जो है वो आपको नीचे मिलेंगे। ये प्लास्टिक का बम्पर है, आपको सुनाई दे रहा होगा। सामने ग्रिल है जिसमें ये मारुति सुजुकी का लोगो लगा है। एक नॉर्मल से वाइपर साइड में, तो ये मिरर हैं, ये अपने बुलेरो की ही तरह हैं, एडजस्टेबल अंदर से नहीं होते, आपको हाथ से एडजस्ट करता है। साथ में एक चीज़ की है कि ये मिरर बड़े होने के कारण एक चीज़ है, पूरी आपकी गाड़ी अगर पीछे से है ना, पूरा दिखता है। साथ में इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, चाबी के थ्रू ये बंद खुलती है। ये देखिए आपके पास चाबी है, और लॉक देखिए, जो पुराने डिफिकल्ट पहले सोमो उमू में आते थे, आज साथ में 2000 में जितनी भी गाड़ियाँ आती थी, जैसे सिंपल लॉक होते थे, इसको सिर्फ आपको, खैर आप भी ऐसी गाड़ियों में होता है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है, साइड इंडिकेटर बिल्कुल पिलर पे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। 12 इंच के टायर हैं, ज़्यादा था इंजन के हिसाब से तो टायर ठीक हैं, पर थोड़े बड़े टायर होते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। ये आपका फ्यूल के लिए हो गया, पेट्रोल डलता है, ये CNG में नहीं है। साथ में ये पीछे बम्पर दिया हुआ है, आपको देख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक का बम्पर है। अब बात करते हैं ये खुलता कैसे है। ये गेट स्लाइड होता है, ये पट्टी दिख रही है आपको, इस पे ही ये गेट पूरा स्लाइड होता है, आपको सिर्फ ये पुश करना है और ये आपका खुल गया। बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका नॉर्मल सा स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर फ्यूल मीटर मिल जाता है, साथ में आपको हॉट एंड कूल का आपको इंडिकेटर मिल जाता है। थोड़ा सा बैटरी का सिस्टम दे रहा है, ये आपका जो ऑयल है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है उसका इंडिकेटर दे रहा है, साथ में इंजन लॉक का दे रहा है, और ये माल फंक्शन की भी लाइट है। ये अभी चल रही है, जैसे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही ये बंद हो जाएगी। इसमें AC का कोई फंक्शन नहीं है, ये सिंपल ट्रिप, चूँकि वो बच्चों को लाते ले जाते हैं तो पीछे की सीट लगी हुई है, आगे की सीट नहीं लगी हुई है, यहाँ पर वो बच्चों को बिठाने का काम करते हैं। म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, आफ्टर मार्केट है, सोनी का है, सोनी के ही स्पीकर लगे हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ग्लोव बॉक्स है, ये देखिए ये खुल गया, इसको ऐसे ही लॉक करते हैं। AC है नहीं, आपको अंदर की एयर घुमानी है तो ये सिस्टम लगा हुआ है ये अंदर की घुमाने के लिए। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको बाहर की भी हवा फ्लो करनी है तो ये नीचे वाला है, इसको आप इधर कर देंगे तो बाहर की हवा आने लगेगी, इसको अंदर कर देंगे तो अंदर की ही हवा सर्कुलेट होगी। ये कूल एंड हॉट का है, इसका मतलब कुछ नहीं है, कूल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये AC में काम करेगी, नहीं ये AC में नहीं काम करेगी, घर अंदर की ही हवा, मतलब जो अंदर की या बाहर की अगर ठंडी हवा है उसी को अंदर या बाहर करती रहेगी। साथ में फ़ैन बताएं, 3 स्पीड है, आपको जिस हिसाब से करना हो उस हिसाब से कर सकते हैं। फ़ैन की हवा यहाँ से आती है, फ्रंट में कोई भी लगा नहीं हुआ है, बहुत जगह है, काफ़ी जगह है इसमें, करीब 3 आगे 3 पीछे और 1 आगे 1 पीछे, करीब 8 सीटर इस गाड़ी को बोला जाता है। इंजन की बात करें तो 800 cc के करीब इंजन है। और अब बात करते हैं किसको खरीदनी चाहिए किसको नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, जिसके यहाँ नॉर्मल ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं, बच्चों को ले जाने ले आने का काम करते हैं, वो जनरली इसी को गाड़ी को यूज करते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका देखिए, खाली में आप नॉर्मल लोगों को लेके जा रहे हैं तो करीब 20-18 के आसपास एवरेज देती है, पेट्रोल में CNG का लगभग 20-22-25 ऐसे ही एवरेज देती है, वो लोड पे निर्भर है कितना लोड आप लेके जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे जो है कमानी लगी हुई है, कमानी आप समझ रहे होंगे, पट्टा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये पट्टा लगा हुआ है। ये पट्टे लगे रहने के कारण क्या है कि इनका पीछे का सस्पेंशन उतना सॉफ्ट नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि पीछे वाले को बहुत धक्का लगता है। और दूसरी बात क्या है कि ये चूंकि गाड़ी लंबी है ना, तो पीछे सॉफ्ट सस्पेंशन ना होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कूदती है। तो अगर पीछे अगर खाली आदमी बैठा है, भरी हुई है गाड़ी तो कोई बात नहीं, अगर पीछे खाली आदमी बैठना है ना तो फिर दिक्कत होती है, उसको बहुत ज़्यादा
जंपिंग आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये ब्लोवर है, आप नीचे देख रहे हैं, इंजन इसके नीचे रखा हुआ है, ये एक अलग से उन्होंने रख दिया है, ये आप हैंड रेस्ट की तरह मान सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। गियर इसका 4 स्पीड का है, एक रिवर्स है, मतलब 4+1 है, और ये आपका हैंड ब्रेक है। गियर की बात करूं तो गियर आप उस गाड़ियों दूसरी गाड़ियों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। इसमें शुरुआत में आपको चलाते वक्त धोखा होगा, आप 2 नंबर लग, जैसे हमारी गाड़ियों में क्या है कि जो लीवर होता है ना वो सीधा होता है, ना कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप चौथा लगाएंगे या फिर आप दूसरा लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे ये मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है। कुछ देर तक गाड़ी चलाएंगे तो आपको अच्छा खासा इसका अनुभव हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है पर गियर लगने में काफ़ी स्मूथ है। ये गाड़ी पावर स्टेयरिंग नहीं है इसमें, ना तो पावर क्लच है ना पावर ब्रेक है, पर फिर भी ठीक है, अच्छा खासा है। मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे तो वैसे ही आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। साथ में बात करें तो इसकी लाइटें जो है ना वो डायरेक्ट हैं, वो चाबी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप हमारे लोगों में बुलेरो में हो गया जो गाड़ियाँ हैं उसमें सिर्फ डायरेक्ट पार्किंग लाइट रहती है, दूसरी लाइट नहीं रहती, पर इसमें डायरेक्ट है, मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं और सीधे लाइट को चालू करें ना तो सीधे लाइट चालू हो जाती है। अगर आप पीछे हल्के फुल्के सामान ले जाते हैं जैसे, वो बहुत अच्छा, मतलब ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। वजन आप रखते हैं ना तो इसका ऑलरेडी एवरेज बहुत कम हो जाता है, 12 से 13 के बीच में हो जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिनकी गाड़ी है ना उन्होंने सेकंड हैंड भी ली थी करीब 60-70 हज़ार या 1 लाख के आसपास, उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो आप एक काम करें, जब भी आप गाड़ी लें सेकंड हैंड में तो अच्छे से लें, अच्छे से चुन के लें, कम चली हुई गाड़ी लें तो आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे ये गाड़ी अभी 32 हज़ार किलोमीटर ये चल चुकी है, अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ये 17 हज़ार किलोमीटर जब ये चली हुई थी तब इन्होंने ये ख़रीदा था और ये करीब उनको 2 लाख के आसपास पड़ गई थी। ये करीब जब आती थी तो 3.5 लाख के आसपास पड़ती थी। इसमें जब भी आप गाड़ी चलाएंगे थोड़ा सा आपको एक्सीलेटर का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ में ये हिल एरिया में या थोड़ा सा ऊँचाई पड़ जाती है ना तो ये गाड़ी फिसलती है, उसका आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि ये डब्बा गाड़ी है, चारों तरफ से चौकोर है, इसलिए ये हवा में ज़्यादा हिलती डुलती है। ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, 120 की स्पीड है, लगभग 110-120 पहुंच जाती वो भी आराम से। 4 गियर का है, 4th गियर इसका 30-35 के आसपास में लग जाता है, तो आपको एवरेज की कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट में भी चला रहे हैं ना तो 20-30 मतलब 40 के आसपास मार्केट में आप चला सकते हैं। अब बात करें जिनको अगर लेना है ना तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ले, जनरल यूज के लिए ना ले, क्योंकि इसकी एसी बहुत अखरती है और साथ में इसमें पावर विंडो तो है नहीं, तो आपको मैनुअल घुमाना पड़ता है। इतनी दिक्कत नहीं है पर क्या है कि टाइम पीरियड होते होते इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे वो वाला है, वो वाला जो गेट है वो उसका रोल बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल आसानी से खुलता बंद होता है, पर ये यूज करते करते थोड़ा सा हार्ड हो गया है। गाड़ी अच्छी है, आपको ट्रांसपोर्ट में यूज करनी है, बच्चों के लिए स्कूल में लगानी है तो बहुत अच्छी है, आप लगा सकते हैं। ब्रेक ठीक ठाक लगते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं लगते। एक चीज़ अच्छी है कि जब आप बैठते हैं इसमें टायर आपके जस्ट पैर के नीचे रहते हैं तो आपको लगभग अंदाज़ा मिल जाता है। आप 1-2 बार ही ड्राइविंग करेंगे 5 मिनट में तो आपको पूरी गाड़ी का अंदाज़ा लग जाता है, जबकि दूसरी गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो इसका इंजन यहाँ पे है जिससे इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कानों को थोड़ा सा चुभती है, पर इस प्राइस पे ये ठीक है। साथ में इसका हॉर्न यहाँ बाजू में है ना, जब आप हॉर्न बजाते हो ना ये इतना पास में है ना कि बहुत तेज साउंड करता है। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में है और आप हॉर्न बजा रहे हैं ना तो आपका सर दुखने लगेगा। गाड़ी की मैं बात करूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, फाइन है, इंजन बहुत अच्छा फाइन है, बिल्कुल इंजन बिल्कुल फाइन है। ये देखिए इसकी थोड़ी स्प्रिंग सही टाइट है, बाकी गियर भी स्मूथ लगते हैं। अब गाड़ी की मैं आवाज़ सुना दूँ, आराम से स्टार्ट हो गई, अब बहुत कम साउंड है, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। देखिए अब आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, माइक कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मेरे को मालूम नहीं है, पर बहुत अच्छी गाड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिक्के रख सकते हैं, कहा जाए तो ये बॉटल रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए, इसमें जनरली लोग सिक्के ही रखते हैं।
इस गाड़ी का आइडिया आपको बहुत जल्दी होगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ती भी आती है। हाँ, ज़्यादा चली हुई जानी तो आप बार बार परेशान होंगे। इसके जो पार्ट्स हैं ना, आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। गाड़ी जब आप चलाएंगे ना तो पीछे से ये उठती है, क्योंकि वहाँ पे पीछे पट्टे वाले या कमानी या लीफ स्प्रिंग जिसको आप बोलते हैं, वो ज़्यादा बम्पिंग करते हैं। तो आपको थोड़ा सा जब आपकी सवारी ज़्यादा रहेगी या पीछे लोड ज़्यादा रहेगा ना, तब वो ज़्यादा फाइन काम करेंगे। जबकि हल्के में जब कोई भी कहीं पे भी पीछे वाला गड्ढा कूदेगा ना, पूरी गाड़ी ऐसे उछलती है। जो फ्रंट के सस्पेंशन है ना, वो ठीक है, बराबर है, और पर इसमें एक्सीलेटर आपको मैनुअल थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो बस यही था मेरा ओपिनियन, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी यही था वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको आई बटन पर मिलती होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।